नेक्स्ट आप कह रहे थे सिकिन पैरा, ठीक है, सुपना सच हो गया मेरे नाल झगड़ पे होनी। माता गुजरी जी नूं बहुत बुरा सपना आया सी कि जड़ी होनी है जो बीतना है वह बहुत ही बुरा बीतेगा। ठीक है, तो उन्होंने होनी की कह रही सी अगों दी कि इट उत्ते इट रख के तेरे हीरियां दी चमक लुकाउणी। हुण होनी माता गुजरी जी दे नाल ओह गल्लां करदी है सुपने दे विच, ओह कह रही सी कि मैं छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणवा देना है। ठीक है, उन्हां नूं इट्टां दे विच छुपा देना है, तेरे हीरियां दी चमक लुकाउणी। हीरे छोटे साहिबजादे, उन्हां नूं हीरे कहा गया है, मैं उन्हां दी चमक जिन्हां उत्ते तू इन्ना माण कर रही है उन्हां दी मैं चमक जिहड़ी है ओह लुको देनी है। नेक्स्ट लाइन नी छाती नाल में ला ले जा ओ उछली परन कलावे। छाती नाल मतलब माता गुजरी जी नूं जदों इह भयानक सुपना आया, ठीक है, ते उन्हां ने दोनां साहिबजादियां नूं अपनी छाती दे नाल मतलब उन्हां नूं बहुत सारा प्यार कीता, ओ उछली परन कलावे, ठीक है, ते उन्हां नूं उछल के उन्हां नूं कलावे विच लै लिया। कलावे मतलब बुक्कल विच, जिस तरह आपां हग करदे हां, ठीक है, उन्हां नूं प्यार दे नाल उन्हां ने बुक्कल विच लिया। ठीक है, उन्हां दे उत्तों दी नजर उन्हां दी उतारी ते उन्हां नूं मौत दे नाल लड़न लई तैयार कीता। ठीक है, अद्धी राती मां गुजरी घोड़ियां चंदानियां गावे, ते अद्धी राती इस तरह माता गुजरी जी अपने हीरियां दियां अपने चंद दियां पोतरियां दियां घोड़ियां गा रहे सन। क्लियर है सिकिन पैरा? नेक्स्ट पैरा देखो, एक दिन पुछदे सी दादी पिता जी कोल कद जाना। ठीक है, ऐतकी तां रज रज के असी हस हस गल लग जाना। फिर वह कह रहे हैं कि एक दिन छोटे साहबजादे ठंडे बुरज विच बैठे हुए अपनी दादी माता गुजरी जी कोल पुछ रहे सन कि असी पिता जी कोल कद जाना है। ठीक है, मतलब आप पिता जी नूं कदों मिलना है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी भी शहीदी प्राप्त कर चुके सन ते इन्हां दे परिवार विचों दी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब तो पहला शहीदी प्राप्त की सी। ठीक है, कश्मीरी पंडितां बारे शायद तुसीं सुनिया होएगा, कश्मीरी पंडित सन, उन्हां नूं मुसलमान बनाउण दे लई, ठीक है, मुगल बादशाह लगा होया सी ते उन्हां ने अपने धर्म की रक्षा दे लई उहो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता जी श्री गुरु तेग बहादुर जी कोल गए सन। उस समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 9 साल की सी। ठीक है, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता जी नूं धर्म की रक्षा दे लई शहीदी प्राप्त करने लई कहा सी। ठीक है, तो उन्हां दी इह गल सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितां दे लई अपनी जिन्नी भी उन्होंने जान है कुर्बान कर दित्ती सी, उन्होंने बिल्कुल भी धर्म नहीं छड्डिया सी, धर्म ते अडोल रहे सन। ठीक है, तो यही जिहड़ी उन्हां नूं विरसे विच मिली हुई है शहादत कि धर्म लई हमेशा कुर्बानी करनी है, ये छोटे साहिबजादियां नूं अपने दादा जी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी तो मिली है। ठीक है, विरासत विच मिली है। सो ओही अपनी विरासत नूं अग्गे करदिया होए वह कहिंदे हन कि असी अपने पिता जी नूं कदों मिलना है। ठीक है, ऐतकी तां रज रज के, ऐतकी मतलब हुण जदों सानूं पिता जी मिलणगे तां असी रज रज के बहुत चावां दे नाल बहुत हस हस के उन्हां नूं गल नाल लाउणा है, क्योंकि पहलां उह अपने पिता जी तो विछड़ चुके सन सिरसा नदी दे किनारे ते। ठीक है, एक एक बोल चंद्रानी मेरे तू कालजी नूं पावे, ते माता गुजरी जी कहिंदे ना उन्हां दा एक एक बोल छोटे साहिबजादिआं दा एक एक बोल जिहड़ा सी उन्हां नूं बहुत ज्यादा दुखी कर रहा सी। ठीक है, उन्हां दे कालजी नूं उन्हां नूं मतलब कि उह एक चुभ रहा सी, उन्हां दे जिन्ने भी उन्हां दे बोल सन तू मतलब खिच, ठीक है, उन्हां नूं पिंच हो रही सन उन्हें दे गल्लां। ठीक है, अद्धी राती मां गुजरी घोड़ियां चंदा दियां गावे। ठीक है, सो अद्धी रात नूं माता गुजरी जी जिहड़े सन उह अपने पोतरियां दे बारे सोचदे हन, उन्हां दी जिहड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन्हां नूं बयान कर रहे हन कि किस तरह उन्होंने हस हस के कुर्बानी दित्ती अपने पिता जी तो अपने दादा जी तो उन्होंने शहीदी जिहड़ी है वह विरासत विच पाई सी, ते हुण उह कह रहे हन कि आपां अपने पिता जी नूं अपने दादा जी नूं कदों मिलना है, ते जदों हुण असीं मिलांगे तो उन्हां नूं बहुत ही ज्यादा चावां दे नाल बहुत ही ज्यादा प्यार दे नाल मिलांगे। क्लियर है जी? थर्ड पैरा, किसी नूं कोई डाउट होए डन। लास्ट पैरा है, कल मेरे कोल वसदे अज नजर किते ना आंदे। ठीक है, हुण माता गुजरी जी की कहिंदे हन जो कल तक मेरे कोल सन छोटे साहिबजादे
जो कल तक मेरे कोल सन अज मैनू किते भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, निके निके ओदरे हुए किनू होणगे दर्द सुनांदे, ओदरे हुए घबराए हुए, उन्होंने लग रहा सी कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा चावां दे नाल छोटे साहबजादियां नू पालिया होया सी, उन्होंने हर तरीके दे नाल सेवा करते सन, उन्होंने देखभाल करते सन, उन्होंने लगता सीगा कि छोटे छोटे जिहड़े साहबजादे हन वो ओदरे होणगे, ओदरे मतलब घबराए होणगे। ठीक है, तो वह घबराए हुए होणगे ते अपना दर्द वह किनू सुनाणगे। ठीक है, क्योंकि उस जालमां दी मंडी दे विच उन्हां दा दर्द कोई भी सुनन वाला उस टाइम ते नहीं सी। ठीक है, वे लब ते सही नूरपुरी मेरे नैणा नूं नींद ना आवे। हुण उह की कह रहे ने नूरपुरी, इत्थे कवि दा नाम है नंद लाल नूरपुरी। ठीक है, हुण नूरपुरी कहिंदा है कि उहनां नूं छोटे छोटे साहिबजादियां नूं कितों लब के लियाओ, क्योंकि माता गुजरी जी नूं उहनां तों बिना नींद नहीं आ रही सी। ठीक, लास्ट लाइन, अद्धी राती माँ गुजरी घोड़ियां चंदा दियां गावे। ते इस तरह माता गुजरी जी उन्हां दे विछोड़े नू, मौत दे दर्द नू, ठीक है, घोड़ियां गा के प्रगट करदे हन ते ओह कहंदे हन कि उन्हां ने शहीदी प्राप्त कर ली है। ठीक है, मौत रूपी जिहड़ी दुल्हन है ओहदे नाल उन्हां ने विआह कर लिया, ते सरहंद दा वजीर जिहड़ा है ओहदे सामने वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, डोले नहीं, सगो उन्हां ने हस के कुरबानी कीती। ते किस तरह उन्हां जालमां ने बड़ी बेदर्दी दे नाल छोटे साहबजादियां नूं नीहां दे विच चिणवा दिता सी। ठीक है बेटा, क्लियर है पोएम? किसी नूं कोई डाउट होए, कोई लाइन ना समझ लगी होए तो पूछ लो। यस रमनी मैम, एक बारी तू दा मीनिंग दस दो। तू दा, तू मतलब खिच, कि जदों असीं किसी नूं एदां दे बोल बोलदे हाँ जिहड़े कि सानूं बहुत ज्यादा, आपां किसी दे करीबी हुंदे हाँ, असीं किसी नाल बहुत ज्यादा प्यार करदे हाँ, ते कई वारी उहदे जिहड़े बोल हुंदे ने ना सानूं बहुत ज्यादा खिचदे ने, सानूं उहनां बोलां दे नाल दुख हुंदा है। ठीक है, यस मैम। एक बारी पोइम पढ़ लो सारी। ठीक है, कोई भी डाउट होए तां मैनूं पुछ लो।